आ गए आप। अबे कुछ था नीचे, क्या क्या रखती है? अला ये आ गए, ये पकड़, वीडियो बना दो। अच्छा स्टार्ट हो गई। तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों? आप एक कुत्ता लेने के लिए सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों हमारी बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल पे लग सकती हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप आए हैं तो कुछ बातें आपके दिल पर लग सकती हैं जी, क्योंकि हम आपको कुत्तों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सोच के आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि हम कुत्ता लें या नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कुत्ता लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल कुत्ता बनना पड़ेगा जी। उसके लिए आपको कुत्ते वाली जिंदगी होने वाली होगी। मैंने पहले ही कहा था, बुरा मत मानना, कुत्ता लेने के बाद आपकी कुत्तों जैसी जिंदगी हो जाएगी बिल्कुल एकदम। सुबह आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, और उठने के बाद आपको उनकी टट्टी पोटी लैटिन जो भी है सेटिन, वो आपको साफ करनी पड़ेगी, और उसके लिए कई बार आपको घर में गालियां भी सुननी पड़ सकती हैं। हमारा यूट्यूब चैनल को सच बताता है, झूठ नहीं बताता ना। ऐसे ही हमारी जिंदगी हो चुकी है। तो कुत्ता आप ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, मगर कुत्ता आप कौन सा लेंगे वो आपको सोचना समझना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं कुत्ता बनने के लिए तो आप कुत्ता ले सकते हैं। जैसे हम तैयार थे हमने ले लिया, और हम कुत्तों जैसे हो भी गए, हमारी जिंदगी भी कुत्तों जैसी हो गई है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए कौन सा ब्रीड सही रहेगा। चलिए तो थी मजाक, अब आ जाते हैं सीरियस हो जाए। तो उससे पहले हम आपको किससे मिलवाते हैं, आओ। तो हमारे स्वीटी देखिए, ये हो गई है 5 महीने की, कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। बहुत ही शैतान है और कई बार मुंह भी चाट लेती है। अब क्या करें, कुत्तों जैसी जिंदगी हो गई तो चलता है, कोई बात नहीं। छी छी छी, अब ज्यादा ही नाटक कर रही है। और एक से और मिलवाते हैं, कल्लो। ये हमारी कल्लो है, ये कल्लो मैरी है। कल्लो ये भी मुंह चलाती है, कुत्तों जैसी जिंदगी हो गई है ना। तो दोस्तों अब आपसे बताते हैं, आप सबसे पहले सोच लीजिए आपको कौन सा डॉग लेना है। अगर आप इसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया बताऊंगा आपको, आप लीजिए स्मॉल ब्रीड। जो टॉय ब्रीड होती है, स्मॉल ब्रीड होती है, वो आपके घर में इजिली रह सकती है। आपका घर छोटा है, जैसे हमारा घर छोटा है, एक ही कमरा है ये, है ना। और बाकी नीचे का भी हमारा काफी सारा पोर्शन है, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। तो आप रह सकते हैं, कुत्तों को खुला छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटी ब्रीड में आपको एक तो फायदा ये है, ज्यादा ही खाना बना दिया था क्या? कोई नहीं होता है। तो क्या भुला देती है यार ये ललिता, भुला देती है। देखो मुझे ऐसा है दोस्तों, देखिए छोटी ब्रीड में आपको क्या फायदा है। छोटी ब्रीड में आपको फायदा ये है, हम चाहते हैं हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी है। तो छोटी ब्रीड में आपको फायदा दोस्तों ये है कि आपको उसमें कम खर्चा होगा, आपका खर्चा भी कम होगा और बेनिफिट आपको उसमें ज्यादा होगा। जैसे कि देखिए, आपने मान लीजिए एक सेजू ले लिया जो हमारे पास है, हम तो सेजू ही बोलते हैं, दूसरे कुछ ही बोलने क्यों भाई अभिषेक, ठीक है। तो आपने ले लिया एक छोटी ब्रीड, टॉय ब्रीड सेजू ले लिया, उसके बाद आपको क्या इसकी केयर करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। एक तो इसकी डाइट कम है, ठीक है, डाइट इसकी बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खाना खाती है, और दिन में आपको 3 बार खाना देना है। जब तक ये पप्पी है 5-6 महीने की नहीं होती, आपको 3 बार ही देना है, फिर उसको आप 2 टाइम देना है आपको उसे, और 3 टाइम दीजिए, कोई दिक्कत देनी है, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और दूसरा, मिल्क एंड ब्रेड बिल्कुल नहीं देना है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सीरियस, मिल्क एंड ब्रेड बिल्कुल भी नहीं देना है कुत्ते को। अगर आप मिल्क दोगे तो उसका पेट खराब हो सकता है, और उसका पेट में पानी भर सकता है, और उसका पेट फूल सकता है, और जिससे उसकी डेथ हो चुकी है, जो कि हमारे डॉग की हो चुकी है। हमें गोल्डन रिट्रीवर लाए थे और वो समथिंग 40 दिन की हो गई थी, मगर हमने गलती क्या करी, फर्स्ट टाइम ये डॉग था हमारे पास, तो हमने क्या करा, उसे ब्रेड दिया और मिल्क दिया मिक्स करके, और उससे उसका पेट फूलने लग गया। हम सोचा कि ये मतलब खा रही है तो शायद तगड़ी हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उसने खाया, उसका पेट पानी भर गया और थोड़ा सा अजीब करने लगी, और फिर वो एकदम से पता नहीं चला कब वो निकल गई। तो दोस्तों इसलिए आपको बता दूं, ब्रेड और मिल्क को गार्निंग देना है। आपको पेडिग्री देना है, स्टार्टर आता है इनका,
रॉयल कैनल का भी आता है, पेडिग्री का भी आता है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। पेट शॉप में जाओगे तो वहां पर आप ला सकते हो। 600 रुपए किलो भी है और 900 रुपए किलो भी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहोगे, ठीक है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, और ये सिजो ब्रीड है इसके बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये से लें तो कम पैसों के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों लोग क्या करते हैं भाई, 7,000-8,000 की मिल रही है तो चलो ले लो, भी जैसे मार्केट डाउन है, मगर वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपका पागल बनाएंगे। क्योंकि अगर आप अभी भी अगर प्योर सिजो लोगे तो आपको 15,000 से नीचे नहीं मिलने वाला है। जो दे रहे हैं 6,000-7,000-8,000 का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड मीन्स वो आपको लासा एप्सो दे रहे हैं, ठीक है। सिजो नहीं है, सिजो अगर आप प्योर लोगे जब भी आपको 15,000-13,000 से कम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी लो तो उसे चेक कर लो। चेक करने का तरीका ये है, मैं आपको बताया तो चेक करने का तरीका ललता जैसे लाओ मेरे पास। तो दोस्तों देखिए ये जैसे सिजो है आप देख सकते हैं, तो आप इसका साइड का पोर्शन देखिए, आप साइड का पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी नाक आपको दिख रही है, नाक बिल्कुल माथे से मिली हुई है इसकी, मतलब अंडर नोज है बिल्कुल। जो अगर आप इस तरह से अगर आप लासा को देखोगे ना, चुप स्वेटी नहीं, इस तरह से अगर देखोगे तो उसकी नाक कम से कम यहां पर होगी और इसकी नाक आपको पता ही लगने की, ठीक है। किसी तरह भी आप देख लो, नाक इसकी आपको बाहर नहीं दिखेगी, ये देखिए अंडर नोज है। और दूसरा इसकी पहचान क्या है नाक का, तो चलो आप एक बार अगर धोखा भी खा जाओ तो आप इसे जब सर पे हाथ लगाओगे ना यहाँ पर, तो आप अंडे जैसी शेप दिखेगी आपको, अंडे जैसी। और जो लासा होगी ना वो एकदम फ्लैट होगा, फ्लैट। तो ये इसकी पहचान है। चलो आप खेल लो जो, तो ये बातें आप ध्यान रखें। और अगर आप कुत्ता बनने जा रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और इन्हें आप थोड़ा प्यार से रखिए और कभी भी कुछ मीठा ना दें। क्योंकि बहुत से क्या करते हैं लोग, कहते हैं यार मेरा मतलब बाल झड़ रहे हैं, कुत्तों के बाल उतर रहे हैं, क्या करें क्या करें। यार जब पहले ही तुम उन कुत्तों को ध्यान से नहीं रखोगे तो ये सब चीजें तो होने वाली हैं। मेरे पास सिर जो है आप देख सकते हैं, मगर इसके अभी तक हेयर फॉल नहीं हुआ है, बाल नहीं उतरे हैं बिल्कुल भी। क्यों? हमने कुछ उल्टा सीधा से नहीं खिलाया। और कुछ भी दिक्कत होती है तो कुछ डॉक्टर नहीं बनते, सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। चाहे हमारे 300 रुपये खर्च हो, चाहे हमारे 200 रुपये खर्च हो, हम डॉक्टर पे लेके जाएंगे, डॉक्टर अपने हिसाब से देखता है, इलाज करता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं, ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ये दवाई दो ये दवाई दो। तो ऐसे कभी नहीं करनी। अगर ऐसे कभी ऐसे करोगे तो आप इसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो शुरू में आपको खर्च करना पड़ेगा और प्रॉफिट आपको मिलेगा। लोग कह रहे हैं मार्केट डाउन है, प्रॉफिट कहां से मिलेगा? यार प्रॉफिट मिलेगा, सीधी सी बात है। आपने 15,000-10,000 के बच्चा लिया, एक कल को 4 से 5 पपी देगी, तो अगर 10,000 का भी एक बच्चा गया तो आप क्या होते, वैसे ही आने 50,000। आपको तो फायदा है ना, तो क्या दिक्कत है? एक साल में आप कितना खर्च कर दोगे उस पर? मुश्किल से मुश्किल कितना खर्च कर दोगे? 10,000। बस एक साल में 10,000 ही खर्च होगा आपका, सुपर खर्च नहीं होने वाला है, वो भी इतना भी नहीं होगा। अगर छोटी ब्रीड ले रहे हो इतना भी खर्च नहीं होगा, मुश्किल 5,000 रुपया 10,000 मान लो आपका 10,000 भी अगर एक साल के अंदर खर्च होता है तो कोई इतनी आपको बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बताइएगा कैसी लगी, और जब अगर आप डॉग लोगे तो हमारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको डॉग भी सेल के लिए मिल जाते हैं। कि आप डॉग अगर हमारे पास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो वीडियो बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो लपाटे लगा देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में।